उन्होंने जो है वो एमसीए के लिए एग्जाम होती है एमसीए सीईटी उसके जो एडमिशन की प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर दी है। तो जो फॉर्म है वो आउट हो चुका है पर फॉर्म फिलिंग आज से स्टार्ट की फॉर्म फिलिंग होगी कल से स्टार्ट दैट इज 27th of February से। तो आज हम सारी प्रोसेस जान लेंगे किस तरीके से उस फॉर्म को हमें भरना है क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या फीस है क्या सेंटर्स हो सकते हैं तो वो सारी चीजें हम वहां पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है हेड ऑन टू एलीट एडवेंचर्स वेबसाइट। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है आपको सारी एग्जाम्स जैसे जैसे आती आती है उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म और सारी लिंक्स जो है वो जो एक्चुअल लिंक्स है वो आपको मिल जाएगी। जैसे अभी भी मैंने देखा है कि आप गूगल पर अगर सर्च करोगे एमएससीईटी के बारे में तो काफी सारी जो है फेक लिंक्स आ रही है या फिर वो लिंक्स आ रही जो काम करनी है तो एक्चुअल लिंक कई बार बच्चों को मिल नहीं पाती परेशानी होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है सीधा सीधा एलीट एडवेंचर्स वेबसाइट पर जाओ एग्जाम रजिस्ट्रेशन नाम से आपको यहाँ पर लिखा है तो फर्स्ट क्लिक ऑन टू एग्जाम रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर अभी आपको एमएससीईटी का एक ऑप्शन दिखेगा अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा जो एक्चुअल वेबसाइट है उस पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो ये आ गई आपकी स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट। तो एमसीए का जो है यहाँ से आप सारी चीजें देख सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एमएससीईटी एमसीए 2023 ऑन वेबसाइट दिस। ठीक है तो यहाँ से आपके पास जो नोटिफिकेशन आया है वो यहाँ पर आप देख सकते हो है ना और यहाँ पर आप इस वेबसाइट में देखेंगे तो आपको दिखेगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड और न्यू रजिस्ट्रेड है। तो अभी तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले कल से तो सभी बच्चे जो है वो रजिस्ट्रेशन न्यू रजिस्ट्रेशन में ही रहेंगे। तो लेट अस क्लिक ऑन टू न्यू रजिस्ट्रेशन। जो रूल्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या फीस है कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए आउटसाइड जो महाराष्ट्र बच्चे हैं उनके लिए क्या फीस है जनरल कैटेगरी के लिए क्या फीस है एस सी एस टी के लिए क्या फीस है तो वो सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसमें पहला पॉइंट जो है शुड हैव पास बीसी और बीएससी या फिर बीएससी आईटी और बीई सीएसई मतलब जो बीटेक वाले बच्चे हैं सीएसई वाले या इक्विवेलेंट कोर्स जो कंप्यूटर के जो कोर्सेज होते हैं वो सभी बच्चे जो है इसमें एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें एक और चीज है कि इक्विवेलेंट डिग्री के लोगों को भी 50% जो एग्रीगेट है बीएससी के हो आप बीसीए के हो या इक्विवेलेंट डिग्री के कुछ बच्चे हैं जो कि महाराष्ट्र एनसीईआरटी में अपीयर होना चाहते हैं उन सभी के लिए एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट जो है वो कंपलसरी है। अगर आपकी 50% से कम है देन यू आर नॉट एलिजिबल अगर आपकी 50% या उससे ज्यादा है देन यू आर इजीली एलिजिबल फॉर एनसीईआरटी। नेक्स्ट है कि भैया जो लोग ग्रेजुएशन में बीई या बीटेक या बीएससी बीकॉम वगैरह करे हुए हैं और 10+2 मतलब जो स्कूल लेवल में उनका मैथमेटिक्स था तो उसमें भी एटलीस्ट 50% जो एग्रीगेट होना चाहिए। रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो है वो 45% है जो जनरल कैटेगरी उसके लिए 50% है रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 40% है और पर्सन विद डिसेबिलिटी और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वो सभी के लिए 45% का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब यहाँ पर एक चीज है कि फॉर मैथ्स फॉर स्टूडेंट्स हैविंग नो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड कंपलसरी ब्रिज कोर्सेज अवेलेबल मतलब जो वहां पर यूनिवर्सिटीज हैं उनको ब्रिज कोर्सेज जो है वो चलाने पड़ेंगे जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो रिजर्वेशन है वो एस सी एस टी ओ बी सी बी जे डी टी एन टी और वहां की जो भी होती है सारी कैटेगरीज उनके लिए और के डब्ल्यू डी तो इनके पास सारे कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट वैलिडेशन सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर का जैसे ओबीसी में दो कैटेगरीज होती है क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर तो उन सभी के सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए वैलिड अप टू 31 मार्च 2024। तो 31 मार्च 2024 तक की वैलिडिटी वाले ये सारे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ये आपके पास प्रेजेंट होने चाहिए टू अवेल दैट जो आप रिजर्वेशन को अवेयरिंग रखना चाहते हो उसके लिए ये चीजें होना आपके लिए कंपलसरी है। अब बात करते हैं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए और ऐसे बच्चे जो आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र स्टेट है मतलब स्टेट महाराष्ट्र स्टेट के कुछ बच्चे जो जनरल कैटेगरी के और जो बच्चे बाहर के जो नॉर्थ महाराष्ट्रियन से या महाराष्ट्र स्टेट के बाहर के जो बच्चे हैं उनके लिए जो फीस है वो आप देख सकते हो यहाँ पे 1000 रुपीज है और जो बैकवर्ड क्लास के जो एस सी एस टी ओबीसी और बाकी सब कैटेगरीज के हैं और कैंडिडेट्स फ्रॉम महाराष्ट्र जो है वो उनको जो 800 रुपीज लगेंगे। ठीक है और पीडब्ल्यू डी कैटेगरी जो है बिलोंगिंग टू महाराष्ट्र विल बी चार्ज 800 रुपीज। तो
तो ये है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आजकल जैसे सारे टेस्ट हो रहे हैं, ये कंप्यूटर पर जो है आपका टेस्ट होगा, वहीं पर क्वेश्चन लिखेंगे, माउस से तो आपको आंसर करना है, सॉल्विंग का अलग मेथड, बाकी जो आंसर और क्वेश्चन लिखने का वो सीबीटी के थ्रू होगा, ठीक है, और बाकी आईडी और वो सारी चीजें हैं, तो ये तो खैर कॉमन सी चीजें हैं। तो पासवर्ड आपको ध्यान रखना है एप्लीकेशन में भर रहे हो, फिर मोबाइल नंबर जो भर रहे हो, ईमेल आईडी जो भर रहे हो, वो सारी देखभाल के भरने के लिए यहाँ स्पेशली लिख रखा है कैंडिडेट कैन यूज ओनली वन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी फॉर वन एप्लीकेशन फॉर्म। तो अगर आप मोबाइल नंबर गलत देखते हो या फिर वो मोबाइल नंबर मिसप्लेस रहता है, वो सिम बंद हो जाती है, या वो मेल आईडी आप भूल जाते हो, मेल आईडी का पासवर्ड भूल जाते हो, तो गलती से भी ये भूल मत करना, वरना आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इवन रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि एक ही मोबाइल नंबर और आईडी से वो चीज पॉसिबल है। तो अगर आपसे मिसप्लेस हो जाता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का कि मोबाइल नंबर ऐसा भरो जिससे वगैरह में आपका रिचार्ज हो और जो बंद नहीं हो रही हो, और दूसरा है कि ईमेल आईडी जो है वो आपको ऐसी भरी जिसका आपके पास पासवर्ड भी सेव लिखा हुआ हो या आपको याद हो, ठीक है। अब ये सब करने के बाद आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, तो वो तो मैंने आपको सेंसी हटाई दी है, जो उनका वहां से जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उस चीज में, तो यहाँ से आपने इसको आप चेकबॉक्स को टिक करोगे और एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे जाएंगे। तो जब आप एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे जाओगे तो अभी ये जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है, ये रजिस्ट्रेशन डिटेल का जो फॉर्म है, ये अभी बंद है। ये अभी बंद क्यों है, क्योंकि आज है 26th of February और ये स्टार्ट होगा 27th of February से। तो इस जो वीडियो है इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो प्रोसीजर है वो किस तरीके से होगी, क्या क्या चीजें ध्यान में रखने की, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो अभी टेस्टिंग पर्पज के लिए ओपन है, सीक्रेट की आपको एंटर करनी पड़ेगी तो ही आप ओपन हो पा उसके अंदर जा पाओगे, क्योंकि वो टेस्टिंग पर्पज के लिए अभी अवेलेबल है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है कल से स्टार्ट हो जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जैसा यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी गई है, और एड्रेस वगैरह है, मदर फादर का नेम है, और बाकी सारी चीजें एड्रेस और बाकी ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है ना। तो ईमेल जो आपको पासवर्ड आप इसमें सेट करोगे, इसके लिए एमएससीटी का पासवर्ड सेट करोगे, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है कि वो पासवर्ड आपको ध्यान में रखें, आप लिख के रख लो उसको, लॉकडाउन करके सेव करके रख लो, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल हो जाएगा। तो ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ये 27th of February मतलब कल से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलिंग की प्रोसीजर। वहां पर आप एग्जाम रजिस्ट्रेशन पे चले जाओ, एग्जाम रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद एमएससीटी का आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा, जो डायरेक्टली आपको लैंड कर देगा एक्चुअल वेबसाइट पर, जो ओरिजिनल वेबसाइट है। और होम पेज पे जाने के बाद आप नीचे जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको इन विच ईयर आर यू प्रिपेयर, तो आपको यहाँ पर एग्जाम बताना है कि एमएससीटी एमसीएम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जब आप उसके अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये पूरा आपको कोर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है। जब बाय नाउ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो है 3000 rupees का ऑफ कूपन कोड मिला है, एमएससीटी का जो कोर्स है 3000 rupees का ऑफ है, जैसे अभी इसकी प्राइस है 7000 और 3000 ऑफ है, मतलब ये कोर्स हो जाएगा आपका 4000 का। तो जब आप इसको अप्लाई कर लोगे यहाँ पर उस कूपन को, जब यहाँ पर अप्लाई कर लोगे कूपन कोड है MAHCET23, ठीक है, तो जब आप इस कूपन कोड को अप्लाई कर दोगे तो 7000 का जो कोर्स है वो 3000 में मिल जाएगा। तो इसमें क्या क्या है, इसमें आपको रिकॉर्डेड सेशन सारे मिल जाएंगे, इसमें टेस्ट सीरीज जो है फुल्ली एक्सेसिबल रहेगी, स्पेशली MHCET पर बेस्ड रहेगी। एक और चीज, MHCET की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, ये MHCET जब तक एग्जाम नहीं हो जाती, ये कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों तब तक चलेंगे जब तक आपकी एग्जाम खत्म नहीं हो जाती है। अब वो जो टेस्ट सीरीज है उसमें आपको जो टेस्ट मिलेंगे वो ऑनलाइन टेस्ट रहेंगे, उसमें ऐसा रहेगा कि आपका टेस्ट होगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे, मान लीजिए कि आपका कल टेस्ट है 5 to 7, ठीक है, तो आपका जो टेस्ट होगा वो एक बार होने के बाद फिर वो पब्लिश हो जाएगा उसी कोर्स में। अगर किसी वजह से आपका कोर्स मतलब वो टेस्ट छूट गया है तो आप उसको फिर कितने भी टाइम अनलिमिटेड टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हो। और ऑनलाइन कोर्स ऑनलाइन टेस्ट जो है वो तो अपनी जगह है ही, जब सारे बच्चे एक साथ मिलकर टेस्ट दे रहे हैं तो वहां से भी आप दे सकते हो ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम पर, किसी वजह से अगर छूट जाता है तो आप वहां से भी जाके दे सकते हो। दोनों ही कोर्स को और वेबसाइट दोनों से एक्सेस किया जा सकता है, तो आप जाके उनको देख सकते हो। इसके अलावा जो बच्चे ऐसे हैं कि सर हम कोर्स नहीं ले सकते हैं तो हमारे लिए क्या है कुछ, तो तुम्हारे लिए जो है वो तुम लोगों को बस कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ ऐप डाउनलोड करो, और ऐप डाउनलोड करने के बाद वहां पर कुछ ओपन फ्री मॉक टेस्ट होंगे ऑन MHCET बेस, तो MHCET के पर बेस कुछ ओपन मॉक टेस्ट होंगे, वो पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ MHCET के बच्चों के लिए ही होंगे। तो वहां से आपको जो है डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, ऐप नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक गिवन है, वहां से आप इंस्टॉल करो ऐप, मैसेज करो ट्यूटर को कि आप जो है हमें ऐड कर लीजिए MHCET के बैच में, तो जो ओपन मॉक टेस्ट होंगे
जैसे जो मैक्सिमम मॉक टेस्ट है वो तो आपके रहेंगे ऑनलाइन टेस्टिंग में, कुछ मॉक टेस्ट ऐसे रहेंगे जो ओपन भी होंगे, जो सभी बच्चों के लिए होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, ओपन फॉरवर्ड में। तो उसमें अगर आपको लेना है तो आप वहां पर मैसेज कर दीजिए कि हमें इस बैच में ऐड कर दीजिए, आप बैच में ऐड हो जाओगे, जब भी टेस्ट होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो उसका शेड्यूल रहेगा, काफी सारे टेस्ट उसमें भी होंगे, तो जो उसका शेड्यूल रहेगा वो आपके पास आ जाएगा, प्रायरली इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि इस दिन टेस्ट है, तो आप प्रिपेयर्ड रहें और फिर आप सभी के साथ टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सेशन था आज का, इसमें मैंने बताया कि MNCET का जो आपका फॉर्म फिलिंग है वो ओपन हो चुका है, तो आप जाके फॉर्म फिल करो। कल जब फॉर्म फिल हो जाएगा, फॉर्म फिलिंग की भी पूरी प्रोसीजर मैं एक बार फिर से समझा दूंगा। टिल दैट टाइम टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करते रहो और सब्सक्राइब करो चैनल और वीडियो को आप शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि जिन लोगों को लिंक नहीं मिल रही है, जिन लोगों को पता नहीं था, उन लोगों को भी पता चल जाए इस बारे में, और ज्यादा से ज्यादा लोग मॉक टेस्ट में भी, जो ओपन मॉक टेस्ट है उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार हमें कोर्स लेना चाहिए, हमारी उतनी प्रिपरेशन अभी नहीं है, तो आप कोर्स लेके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन वंस अगेन एंड हैप्पी लर्निंग।